मछली मार्केट का विजिट कर रहे हैं, हम मछली परचेज भी करेंगे यहाँ से। आप देख रहे हैं कि हर तरफ मछली ही मछली है और ज़्यादातर रोहू नज़र आ रही है फार्म की। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, क्या हाल है? दे लो मुनासिब जहा 3-4 किलो। जी हाँ उस तरह जिस तरह उस दिन बनाई एक डब्बी भी लाई छोटी मसाले वाली 70 रुपये का, खड़ा मसाला जोड़ा
चर्बी रख लेना, चर्बी च तली सी पिछली दफा भी। स्किन उतर रही है। साइड की सारी स्किन उतर गई है। सब्जियां गल करना तीन बाबे
काशी मैं तू पैक करवा मैं तो पट्टी बनवा दे जी हाँ जी भैया 5.5 किलो ये कांटे के बगैर बिल्कुल पीस अलग से दो बड़े पीस ये कांटा अलग हो रहा है और कांटा बीच में से अलग निकल गया ये गोश्त वाला पीस बिल्कुल अलग निकल गया संगाड़ी च वड्डा तो वड्डा पीस किन्ना आंदा है जी अंदाजन अच्छा कितनी महारत के साथ कांटा अलग और गोश्त का पीस अलग भाई जान कई जबान समझते हो उर्दू पंजाबी इंग्लिश हाँ जी हाँ
छड़ नहीं गया बल्कि उन्हों मैं जुड़ा दिता सी वो बेचना गड़बड़ कर रहा था जी नशे ते भी लग गया नाले और भी बड़े गलत काम करता है ते वो बिचों बिल जड़ा ना खा जाता सी जी सही है जी जी बिल्कुल नहीं नमक नहीं लाना ते कांटे वाला पीस अलग चॉपर ते दूसरा अलग अच्छा जी वो रहू के ठीक है जी दरिया नहीं लगे अच्छा ते फार्म दी कोई देगी जायका वो बिचों स्मेल थे नहीं वो खाद दी जड़ी आंदी देखो कोई दाना जी हाँ कर दियो तीन बार चलो करो
रोहू। ऐसे इतने सारा कंडे वाला ही पीस निकलेगा जब ये जो ही बगैर कंडे का निकल आता है सारा कंडा सारा कंडा है केड़ी बनी है केड़ी तोल इको सट्ट च कटना चाहिए नहीं तो ब्याह नहीं होता बंदे का मैनू कह रहा है इको सट्ट च कटना चाहिए Yeah.
ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਤਾ ਸੋਲ ਫਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੋਲ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਚੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।